एमपी के रीवा त्योंथर जनपद पंचायत 72 पूर्व सरपंचों पर होगी कुर्की की कार्यवाही। निर्धारित समय पर नहीं जमा किए गबन के 1,89,00,000। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को जारी किए वसूली के आदेश। जिले में पूर्व 72 सरपंचों के द्वारा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। जिला प्रशासन ने वर्ष 2022 में नोटिस जारी करके उनसे वसूली राशि जमा करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उक्त राशि को पूर्व सरपंचों के द्वारा जमा नहीं किया गया, जिसके चलते बीते दिनों कलेक्टर ने पूर्व 72 सरपंचों से 1,89,00,000 की राशि जमा करने के निर्देश जारी करते हुए राजस्व अधिकारियों को आरआरसी कुर्की के तहत कार्यवाही करते हुए राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद जिले में हड़कंप की स्थिति है। पूर्व 72 सरपंचों से होगी 1,89,00,000 के गबन की वसूली। मामले पर जिला पंचायत सीईओ संजय सौरभ सोनवाड़े ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि धारा 40 व 89 के तहत जो भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसके तहत वह सरपंच जो 92 का जारी होने के बावजूद भी अपनी वसूली राशि को जमा नहीं किया करते हैं। जिले में ऐसे 72 पूर्व सरपंच हैं जिन पर आरआरसी के तहत प्रकरण पूर्व से ही दर्ज है। इन पर तकरीबन 1,89,00,000 की वसूली राशि बकाया है। काफी दिनों से इतनी बड़ी राशि बकाया होने के कारण कलेक्टर के द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि आरआरसी कुर्की के तहत कार्यवाही करके 72 पूर्व सरपंचों से करोड़ों की वसूली। कुल धारा 89 जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और धारा 92 के अंतर्गत तो वसूली अधिरोपित की जाती है। ऐसे कुल 97 पंचायतें हैं जिनमें धारा 92 के आदेश पहले पास हुए थे और जिसमें आरआरसी के लिए प्रकरण प्रेषित किए गए थे, पर इन सरपंचों के द्वारा कितनों के द्वारा राशि जमा की है, कितनों को द्वारा नहीं की थी, उस संदर्भ में उनको स्पष्टीकरण कुल 97 पंचायतों को जारी किया गया, जिसकी राशि कुल करीबन 1,89,00,000 के अराउंड उनकी राशि है, जिसके वसूली के संदर्भ में सभी तहसीलदार को कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र जारी करके उसके इन्फॉर्मेशन। कुल सरपंचों ने किस तरह से गबन किया था और जो निर्माण कार्य थे अलग अलग तरह के, तो उसमें इन पे राशि अधोरोपित करी गई थी। तो पूर्व सरपंच के सामने सर पूर्व में कब नोटिस जारी की गई थी? पूर्व में जो नोटिस जारी की थी उसमें जवाब नहीं आए थे। उसका फाइनल आदेश जो है 92 से अधिरूपित ऑलरेडी हो चुका है। उसके जो वसूली का जो प्रक्रिया थी वो कहीं पर स्टॉल्ड थी, उसकी जानकारी के लिए ही यह पत्र लिखा है। सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? तो जैसे अभी राजस्व से वो प्रतिवेदन आता है कि उनकी वसूली की क्या प्रक्रिया हुई है, अब तक कितनी हुई है, उसके आधार पर उसको निर्धारित किया जाए। इसमें रीवा मऊगंज दोनों दोनों जिलों के देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।